अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फेसबुक ऐप ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद आप यहाँ अपनी प्रोफाइल में आएं और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ आपके पास सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पे टैप करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपके पास सेटिंग ओपन हो जाएगी तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ आपके पास सिक्योरिटी एंड लॉग इन का ऑप्शन आया है, तो इस पर टैप करें। नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं मेरे पास चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। जब आप चेंज पासवर्ड पे टैप करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपनी आईडी का पुराना पासवर्ड दें, उसके बाद आप जो नया पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो दें, दोबारा उस पासवर्ड को कंफर्म कर दें। तो यहाँ मैं अपना पुराना पासवर्ड लगा देता हूँ। पुराना पासवर्ड लगाने के बाद आपको नया पासवर्ड लगाना होगा, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैं कोई नया पासवर्ड सेट कर देता हूँ। और जो मैंने नया पासवर्ड लगाया है उसे कंफर्म कर देता हूँ। जब आप पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे तो सेव चेंजेस पे टैप करें। जब आप सेव चेंजेस पे टैप करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, रिव्यू अदर डिवाइसेस, स्टे लॉग्ड इन। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी आईडी किन किन डिवाइसेस में लॉग्ड इन है तो आप रिव्यू अदर डिवाइसेस पे टैप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये आईडी उन मोबाइल या कंप्यूटर में लॉग इन रहे जिनमें पहले से लॉग इन है तो स्टे लॉग्ड इन पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ रिव्यू अदर डिवाइसेस पे टैप करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ आपके पास लॉग आउट फॉर ऑल सीजन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पे टैप कर दें। इससे होगा ये, जहाँ जहाँ आपकी आईडी लॉग इन है वहाँ लॉग आउट हो जाएगी और आपके पास लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ लॉग आउट पे टैप करें। अगर आपका अकाउंट किसी और मोबाइल में लॉग इन है तो वहाँ ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फेसबुक ऐप में सेटिंग चेंज नज़र आ रही हैं तो आप अपनी फेसबुक ऐप को अपडेट कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक बेल का आइकन आ जाएगा, उस पे क्लिक कर दें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।